हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुमर परमाराध्यतम गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तरस्थ श्री श्रीमद गौर गोविंद गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तरस्थ श्री श्रीमद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी पाद पद्मरे अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करी तांकर अहितुकी कृपा भिक्षा करुछि। आम्भे माने धारावाहिक भावरे भक्तिर प्रसंग श्रवण करुछे। श्रीमद् भागवतमरु अनेक भक्तंकर चरित्र श्रवण करुछे। पूर्व प्रवचन रे आमे श्रवण करथिले भक्त प्रह्लादंकर चरित्र। ए भक्त प्रह्लादंकर चरित्र रे किपरि हिरण्यकशिपु एते बड़ दानव एते बड़ राक्षस तार पुत्र रूपरे भक्त प्रह्लाद जन्म नेले। हिरण्यकशिपु बहुत चेष्टा कला प्रह्लादंकु बध करिया पई किछि करि पल्ला नाही, कारण प्रह्लाद निरंतर भगवानकर स्मरण रे मग्न थिले। सेतिपाई तांकर कौनसी क्षति करि पल्ला नाही। सेतिर हिरण्यकशिपु आश्चर्य होई भाविला ता भीतर किछि शक्ति रहिछि, कि ताकु कळे बळे कौशले ताकु कन्वर्ट करिया पई ताकु डाइवर्ट करिया पई तार मन को परिवर्तन करि बा हरि भक्तिरु विस्मृत करि ताकु असुर रे परिवर्तन करिया पई बहुत चेष्टा कला। एपरि असुर गुरुमानंकु मध्य नियुक्त कला कि शेषरे प्रह्लाद समस्त असुर विद्यालयर समस्तंकु प्रह्लाद भक्तरे परिणत करदेले एवं शेषरे हताश ही से असुर गुरुमाने संड और अमरक प्रह्लादंकु आणि हिरण्यकशिपुंकु पाखरे पुनर्बार समर्पण करदेले।
निजर पराजय स्वीकार कले क्षमाजाचना कले हे दानवराज आपण को पुत्र साधारण नुहे आमे तंत्र मंत्र जंत्र द्वारा निजर समस्त शक्ति विद्या कौशल द्वारा प्रह्लादंकर मनरु भगवान हरिंकर नाम भगवान हरिंकर स्मरण को हटाया पई चेष्टा कलु किंतु आश्चर्य कथा प्रह्लाद हरिभक्ति रे एभली एक स्तर प्राप्त करि देछि जहाँ की परिवर्तन करिया असंभव बरं विद्यालयर जेतिकी अन्य दैत्य बालक मान थिले सेमान समस्त परिवर्तन हेगलणी सेतिपाई आमको क्षमा करंतु आपण प्रह्लाद पई अन्य व्यवस्था करंतु। हिरण्यकशिप चिंता कला वर्तमान आउ कौनसी उपाय नहीं वर्तमान समस्ते फेल हो गले पराजित हो गले प्रह्लाद को परिवर्तन करिया पाए प्रह्लाद का मनरो हरिभक्ति को मिटाइवा पाए शेषरे अत्यंत क्रोधित हो हिरण्यकशिप स्वयं प्रह्लाद को वध करिया पाए संकल्प करिनला से प्रह्लाद को पचारा तुम हरि कौटी प्रह्लाद कहले पिताश्री मो हरि सर्वत्र विद्यमान अच्छा कौटी नहांती ए ब्रह्मांडर जेतिकि अणु परमाणु प्रत्येक वस्तु रे मोर प्रभु हरि भगवान विष्णु विद्यमान अच्छा आपण देखि पाउ नहांती आपण भक्ति नेत्र द्वारा तांको देखि पारिबे भगवान को दर्शन करिया पाई जणे चैलेंज करी कि अहंकार वशत भगवान को दर्शन करी पारिब नाही भगवान को दर्शन करिया कहले भक्ति दरकार ब्रह्मा तांकर ब्रह्म संहितार कहउचंती प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति जे आमर चक्षुरे जेतेबले को चक्षु प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन ए भक्ति रूपी चक्षु आओ ये भक्ति रूपी चक्षु कोड थाए ना हृदय थाए से भक्ति रूपी चक्षु रे जदि आमे प्रेम रूपक अंजन लगाइबा तेबे जाई से चक्षु द्वारा भगवान कर सुंदर श्याम सुंदर रूप को दर्शन करि परिबा जदि आमे भक्ति करिबानी भक्ति रे दूरे जीवा भगवान को केबे दर्शन करि परिबा नै कारण भगवान निजे निजर जगमय आसक्ति द्वारा निज को आवृत करि थांते स्वयं श्रीमद् भगवत गीता रे कृष्ण कहउचंती नाहम प्रकाश सर्वस्य जोगमय समावृत निजर जगमय शक्ति द्वारा भगवान निजक निजे लुचे रखती समस्त सम्मुखें प्रकट हुंती नहीं दर्शन करिया पाई केवल मात्र भक्ति दरकार और भक्ति द्वारा भगवान प्रकट हो जाती प्रह्लाद सर्वत्र देखुले जो मंग पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति प्रह्लाद ये उत्तम श्रेणी एक श्रेष्ठ महाभागवत भक्त थे से सर्वत्र सबु समय रे भगवान हरि को देखुले दर्शन करुले भगवान जी का रक्षा करती राखे हरि मारे के जी स्वयं पूर्ण रूप से वर्ण कर भगवान ही मोर कृष्ण ही मोर रक्षक कृष्ण ही मोर पालक तार कहीं किसी करें कौन से क्षति करें हिरण्यकशिप अत्यंत क्रोधित हो प्रह्लाद को यही भाव तर्क मध्यम प्रह्लाद को अपमानित कर चेष्टा कला तो हरि कौटी कौट देखा पड़ू ना प्रह्लाद कले सर्वत्र विद्यमान अच्छा तुम हिरण्यकश्यप चैलेंज कर कहला ठीक अच्छे तुम हरि को देखा दि मुझे युद्ध करी मु बध करदे मोर पराक्रम द्वारा तुम हरि को विनाश करदेवी असुर तो तार बुद्धि ये तो प्रह्लाद कले सर्वत्र विद्यमान अच्छा हिरण्यकश्यप कहले तुम हरि कौन यही खम्भ भितर अच्छा
प्रहलाद अवश्य सेठ अच्छे विद्यमान अच्छा प्रहलाद निर्भीक भाव निर्देश दे देले शुद्ध भक्त तांकर उक्ति को सार्थक करिया पाई भगवान रेडी हो गले प्रस्तुत हो गले हिरण्यकशिपु जाए जेतेबेले गदा द्वारा से खंभ को प्रहार कला भांगे की चुरमार करिया चेष्टा कला ता भितरु प्रहलादंकर उक्ति को सार्थक करिया पाई कारण भगवान सबले भक्तंकर मर्यादा भक्तंकर मान सम्मान भक्तंकर प्रतिष्ठा को रक्षा करे चेष्टा करते अपना मान टले टल जाए प्रभु का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्तर मान सम्मान प्रेस्टीज को सबसे भगवान अग्राधिकार दियंती निजर मान अपमान को भ्रुक्षेप करती नहीं। वृंदावन रे भगवान निजे माखन चोर चोर नाम नेले कारण कौन कारण ते माखन चोर द्वारा निजे भगवान निजर मान सम्मान को चिंता कले नहीं निजर भक्त मानकर प्रेम वर्धन लीला कले एवं एवली तांकर नाम अच्छे रण छोड़ युद्ध नकरी से हाँ से भागी जाइले दौड़ी जाइले युद्ध क्षेत्र पलायन करते कारण सब भगवान को लीला पछर किसी रहस्य रही एवं से रहस्य होची भक्तर मान को से स्थापन करती जगतर भक्तर मान मर्यादा को अधिक गुरुत्व दिखती। प्रहलाद उक्ति को सार्थक करने भगवान नरसिंह रूप से आविर्भूत हो गले अत्यंत भयंकर नरसिंह रूप से एवं तांकर चक्षुरु अग्नि अग्नि किरण होता विकिरण होता एवं जमी त्रिभुवन को जली पड़ी भस्म करदेव तांकर ज्योति तांकर क्रोध समर्ग हिरण्यकशिपु फिका पड़गला से सब हिरण्यकशिपु चेष्टा कला भगवान सहित युद्ध करने भगवान नरसिंहदेव कौन कले सब दैत्य मानक से तड़ीदे एवं भयंकर रूप से अटहास्य करी से असुर को हिरण्यकशिपु को धरी नहीं गले धरी नहीं जंग उपर निक्षेप कले एवं नख द्वारा तार उदर को विदीर्ण करदे एवं रक्तर जी प्रकार रक्त छिटकिला से भगवान रक्ताक्त तो हो गले बिल्कुल और तार अंतनाड़ी को नहीं माला करी पिंधिले तार हृत्पिंड को नहीं भूमि पर निक्षेप करदे एवं से समय थिला पुरुषोत्तम मास जो बार मास मध्य से नथिला पुरुषोत्तम मास सब समय आसे ना जो कि मल मास आम कहते एवं से मल मास रे पुरुषोत्तम मास रे से थिला आउ से दिन थिलानी कि राति थिलानी से थिला संध्या समय एवं भूमि रे मरिबनी बोली बर मागिथिला आकाश रे मरिबनी बर मागिथिला जंग ऊपर स्थापन कर देले भगवान ब्रह्मांकर समस्त वरदान को रक्षा करी ए नरसिंह रूप नहीं थिले कारण हिरण्यकशिपु बर थिला मते केही बध करि पारिबेन कौन सी देवता दानव बध करि पशु केही बध करि पारिबेन सेते भगवान अद्भुत अधा नर अदा सिंह अवतार ने नरसिंह रूप से आविर्भूत हो हिरण्यकशिपु एवढारे बध कले हिरण्यकशिपु को बध कला भले समस्त देवता मैंने आसी उपस्थित हो गले आ समस्ते भयभीत थिले कि भगवान नरसिंह देवंकर क्रोध को शांत करवा आवश्यक नहीं तो सृष्टि विनाश हो जीव भगवान नरसिंह देवंकर यदि क्रोध को शांत न करा जीव ते सृष्टि विनाश हो जीव से ब्रह्मादि देवता मैंने अत्यंत भयभीत ही पाक माता लक्ष्मी को पठेले कितु माता लक्ष्मी जे भगवान कर शक्ति सहधर्मिणी से मत भगवान पाख को जापारे ना से भी भयभीत हो गले शेषे ब्रह्माजी स्थिर कले प्रहलाद को कहले भक्त प्रवर प्रहलाद तमें जा तमपाई प्रभु आविर्भूत होती क्रोधर मूर्ति नहीं तेणु तमें जा प्रभुं क्रोध को शांत कर।
तो प्रह्लाद शिशुवत स्वभाव जो दंडवत प्रणति जनइले भगवान नृसिंहदेव को से समय प्रह्लाद को देखी नृसिंहदेव क्रोध शांत हो जाए जेपरी सिंह अत्यंत भयंकर किंतु तार शावक मान प्रति अत्यंत स्नेहालु अत्यंत बात्सल्यमय सिंह से भाव नरसिंहदेव यद्यपि यह उग्र रूप धारण करते कि प्रह्लाद निजर भक्त को देखी तांकर हृदय बात्सल्य भाव जाग्रत होगला एवं क्रोध शांत होगला एवं प्रह्लाद मस्तक भगवान नरसिंहदेव हस्त संचालन कले तार कपाल को सुंघिले एवं तार समग्र शरीर को चाटिया लगे अत्यंत स्नेह कले प्रह्लाद को निज कोल बसइले अत्यंत स्नेह अत्यंत बासिल भाव रे प्रह्लाद कहले प्रिय प्रह्लाद तू केते कष्ट पाइलु मोर आसिबारे केते विलंब होला सेति पाई मु तो निकट रे ऋणी तो भक्ति पाई तो निकट रे ऋणी देख भक्ति एभली एक वस्तु साक्षात भगवान जे कि से कहार ऋणी नुहंती किंतु भक्त आगरे से निजक निजे निजर ऋणी हवा कथा स्वीकार करुछंती एभरी भगवान कृष्ण मध्य गोपी मानक पाखरे न पार ये हम एक कथा भागवत पर अच्छी जे निजर ऋणी कथा स्वीकार करुछंती ए ऋणी किमिति भगवान हो जानती भगवान रामचंद्र हनुमान को पाखरे ऋणी हवा कथा कही कारण भक्ति इमित जिनस भक्ति एभली वस्तु भक्ति को भगवान परिशोधन करती भक्तर अधीन हो जाती तार चीर ऋणित्व को स्वीकार करती भगवान से भगवान नरसिंहदेव प्रह्लाद कहले हे प्रह्लाद मु तुम पाखे चीर ऋणी ऋणी रही हिरण्यकशिप को बध कला प्रह्लाद जिते प्रणाम जनइले पाख को आसिले प्रह्लाद को देखी हृदय रे भक्त बात्सल्य उदय हैला एवं तांकर उग्र मूर्ति क्रोध मूर्ति शांत हो गला एवं प्रह्लाद पाखरे भगवान नृसिंहदेव कहले जे प्रह्लाद मु तो पाखरे ऋणी कारण प्रह्लाद भक्ति तांकर निष्ठा तांकर भक्ति अगर भगवान नृसिंहदेव ऋणी हवा कथा कहते तेणु भक्ति भगवान को पूर्ण रूप से ऋणी कर दिए भगवान को वशीभूत कर दिए प्रह्लाद तापरे स्तुति कले प्रार्थना कले छोट बालक पांच वर्ष बालक सरल हृदय प्रार्थना कले केते दया प्रह्लाद हृदय रे प्रह्लाद कहले हे प्रभु आपण जेउ राक्षस को जेउ असुर को मारिया पाई एक क्रोध मूर्ति धारण कर सी असुर एवं मरी जाए तेणु आपण निजर क्रोध को शांत करंतु आपणकर भयानक रूप यही रुधिर रंजित रक्ताक्त हो भगवान आपणकर जो केश ये समस्त लोक देवता माने बोली समस्त लोक को भयभूत करदे आपण जो सिंहनाद आपणकर जो भयंकर नख ये सब जगत को भयभीत कर दूची किंतु प्रभु मो पाई आपण सबुठ अत्यंत सुंदर मो पाई अत्यंत सुंदर मु बिल्कुल आपण को रूप को भय 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 पाऊना मु भयभीत नुहे मु केवल भयभीत कौपाई ना संसार चक्र रे निष्पेषित हवापाई मुझे तो देखे संसार रे निष्पेषित होता जीव माने जीपर त्रिगुण रे बंधा होती जन्म मृत्यु चक्र रे पेशी होती यही जीव मान को देखी मु भयभीत हो तेणु हे प्रभु मत आपण जेते जल्दी जेते शीघ्र निज पाख को पाछटी नियंतु निज चरण रे मुझे मत स्थान दियंतु ये भाव रे प्रह्लाद भगवान नृसिंह को प्रार्थना कले प्रह्लाद जो स्तुति कले
ଭଗବାନ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କୁ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଦେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଭକ୍ତ ପ୍ରବର ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ତୁମେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଶିରୋମଣି, ତମ ପାଇଁ ସାରା ସଂସାର ଆଜି ଗର୍ବିତ, ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ହଉ, ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ, ତୁ କିଛି ବର ମାଗ, ଯାହା ତୁମର ମନରେ କିଛି ଅଭିଳାଷ ଅଛି ବର ମାଗ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କୃପା କରନ୍ତୁ, ଏଭଳି କୃପା କରନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷ, ସେ ଅଭିଳାଷ ହିଁ ନ ଆସୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବାର ବଦଳରେ କିଛି ମାଗନ୍ତି, ସେମାନେ ବଣିକ, ସେମାନେ ଭୃତ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସବୈ ବଣିକ ନ ସଭୃତ୍ୟ, ବଣିକ ମାନେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ, ଭଗବାନ ସହିତ ବିଜନେସ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୃତ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସେବକ ନୁହନ୍ତି ବା ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କିପରି ସେମାନେ ହେଲେ ବଣିକ, ସେମାନେ ବାସ୍ତବିକ ଭୃତ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଦେବ କହିଲେ, ତଥାପି ହେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ତୁମର ଭକ୍ତି ବଳରେ କେବଳ ତୁମେ ନୁହେଁ, ତୁମର ଏକୋଇଶ, ତୁମର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଏକୋଇଶ ପିଢ଼ି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯିବେ। କାରଣ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ପିତାଙ୍କୁ ଆପଣ କୃପା କରନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦ୍ରୋହ ଆଚରଣ କରିଛି, ଅପରାଧ କରିଛି, ତାକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ, ହେ ଭକ୍ତ ପ୍ରବର, ତୁମର ପିତାଙ୍କ ସମେତ ଏକୋଇଶ ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ, ତୁମର ଭକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପିତାଙ୍କର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା କଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ପିତାଙ୍କର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା କର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କର, ଆଉ ଏକ ମନ୍ୱନ୍ତର ଧରି ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଧିପତି ହୋଇ ରୁହ। ଏଭଳି ଭଗବାନ ଯଦି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଏକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଦେବ କହିଲେ, ମୋର ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ତୁମେ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଧିପତି ହୋଇ ଶାସନ କର ଏକ ମନ୍ୱନ୍ତର ଧରି। ତେବେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଦେବ ପୁଣି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ମୁଁ କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିଛି ମାଗ, କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ସମୟରେ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ ଯେ, ପ୍ରଭୁ, ଯଦି କିଛି ଆପଣ କୃପା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏ ସଂସାରରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମୁଁ ସହିପାରୁନାହିଁ, ଏ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମୋତେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଭୋଗ କରିବି, ଆଉ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ତୁମ ଭଳି ଭକ୍ତ ବିରଳ, ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆଦର୍ଶ, ତେଣୁ ହେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ତୁମର ଭକ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ପରାଜୟ, ଆଉ ଏ ସଂସାରର ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ତୁମେ କାମ୍ୟ କରୁଛ, କାମନା କରୁଛ, ସେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ଏ ଚରିତ୍ର ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯିବେ, ଆଉ ମୋର ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଦେବ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ବରଦାନ ଦେଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭଗବାନ ନୃସିଂହଦେବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ବ୍ରହ୍ମା, ତୁମେ ବରଦାନ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୂର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବରଦାନ ଦେବା ଅନୁଚିତ। ଯଦି କ୍ରୂର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବରଦାନ ଦେବା ମାନେ
सर्प को दुग्धपान कराइबा, साप को क्षीर पियाइबा जहा तार विषवर्धन हब, से भी क्रूर व्यक्ति वरदान प्राप्त करी संसार उत्पात करिव, अनेक क्षति साधन करिव। सेतिपाई तुम्हें सतर्क रही वरदान दियो। एवं प्रह्लाद जो भक्ति, ए भक्ति निसंदेह भाव रे अत्यंत उच्च कोटीर भक्ति, एवं ए भक्ति किमिति तार स्वरूप कौन, भगवान कर अनेक प्रकार भक्त अच्छा। प्रह्लाद जड़े महाभागवत थिले, भगवान को सर्वत्र दर्शन करथले प्रभु को, किंतु से प्रभुंकर पुत्र रूपे प्रभुंकर सेवा ग्रहण कले। किंतु प्रह्लाद हेले ज्ञानी भक्त, तांक भक्ति रे स्मरण ही प्रधान, भगवान कर स्मरण करिबा, भगवान कर गुण स्मरण करिबा, ए होचि प्रधान, सेवा प्रधान नुहे। प्रह्लाद ज्ञानी भक्त जेहेतु, तांकर भक्ति रे सेवा प्रधान नहीं, सी होचि स्मरण प्रधान। सेतिपाई आमे ए भक्तंकर चरित्र रे आगामी दिन रे अन्य अन्य भक्तंकर चरित्र श्रवण करिबा। आज मु एति कहि मोर वाणी को एठारे विराम दउछि। हरे कृष्ण।